हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय तिवारी, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, इसी प्रकार मैं हिंदी को एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो हिंदी की मैं मेरे हिसाब से ग्रामर के पांच सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं, वो है रस, छंद, अलंकार, संधि, समास। ठीक है, तो उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास, उनमें से मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। पहले इन पांचों का मैं अर्थ बता देता हूँ, जो कि किसी एग्जाम में आते तो कम है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको बनना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है रस का शाब्दिक अर्थ। रस छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, अब देखो समास का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कि राजा का पुत्र आ रहा है, ठीक है, अब उसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, राजपुत्र आ रहा है। कहने का मतलब है अधिक कम से किसी बात को कम से कम शब्दों में कहना समास का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, मैंने उसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, राजा का पुत्र आ रहा है, या राजा का महल आ रहा है, और मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, राजमहल आ रहा है, या राजा का महल पास है, या राजमहल पास है। तो राजा का महल, इस शब्द को, इस पूरी, है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, राजमहल, राजा का महल, ये तीन शब्दों से मिलकर बना था, जो उसको मैंने सिर्फ राजमहल एक शब्द में बना दिया है ना। तो अधिक से अधिक बात को कम से कम शब्दों में कहना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, अब देखो इसमें सारी डिटेल मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आते हैं, सिंपल है ये टॉपिक, है ना। तो समास कितने भेद होते हैं, समास में पद क्या कितने होते हैं, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास और समास विग्रह में अंतर क्या होता है, इसको देखो। ठीक है, समास तो जैसे मालूम है, समास क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया कि, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच संबंध बताना समास कहलाता है। ठीक है, अब उस समास समास विग्रह में अंतर क्या होता है कि समास का विग्रह करना, समास का प्रसार कर देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मैंने बोला राजपुत्र, ये समास है, समास का समस्त पद है, लेकिन मैंने उसको बोल दिया राजा का पुत्र, तो उस समस्त पद का वो संक्षिप्त रूप था, जो उसका मैंने क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, उसे बोलते हैं समास विग्रह। इसके बाद आता है जो समास होता है, समास में कुछ पद होते हैं जिन्हें कहा जाता है ना, 99% समास में, जो समास एक पद होते हैं उसमें सिर्फ दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक उत्तर पद, है ना। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे कि मैं बोलूं ये जो समस्त पद बना है, ये दो पदों से, दो शब्दों के मेल से बना है, एक राज एक महल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसमें पूर्व पद क्या है, तो पूर्व का पद का मतलब होता है पहला पद, और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा, दूसरा या अंतिम, है ना। ये दूसरा इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर जो समास होते हैं सिर्फ दो पदों के मेल से बनते हैं, एक पहला पद दूसरा पद। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ राजमहल में पूर्व पद क्या है, तो आप क्या बोलोगे, राज, और महल कैसा है, उत्तर पद है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो समास होते हैं वो तीन तीन शब्दों से मिलकर बन जाते हैं या उससे ज्यादा, है ना। तो कभी ऐसी कंडीशन आना है कि दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक पदों से मिलकर कोई समास है और पूछा जाए इसमें उत्तर पद क्या है, तो आपको याद रखना है कि जैसे ये लिखा है तन मन धन, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें पूर्व पद क्या है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो किसी किसी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है, प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है। तो सिर्फ आपको कितना याद रखना है कि द्वितीय पद नहीं, कोई जो भी अंतिम पद है या जो भी अंतिम शब्द है वो क्या कहलाएगा, उत्तर पद कहलाएगा, और इसके पहले आए हुए जितने भी शब्द वो क्या कहलाएंगे, पूर्व पद कहलाएंगे। तो कोई भी शब्द हो, मैंने लिखा राजमहल, तो महल जो लास्ट का शब्द है वो क्या कहलाएगा, उत्तर पद, उसके पहले जितने भी आएंगे वो कहलाएंगे पूर्व पद। इसमें लिखा तन मन धन, लास्ट में कौन सा है, धन, धन क्या कहलाएगा, उत्तर पद, उसके पहले चाहे एक शब्द हो, उसके पहले चाहे दो हो, और उसके पहले चाहे तीन शब्द हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पूर्व पद कहलाएंगे। ठीक है, तो धन क्या है, उत्तर पद, उसके पहले दोनों के दोनों ये क्या है, पूर्व पद। अगर इसमें पूछा जाता कि पूर्व पद कौन से है, तो आपको सिर्फ तन ना लिख के तन मन दोनों के दोनों पूर्व पद हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो समास क्या होता है, संक्षिप्त रूप कहलाता है। ठीक
ठीक है, समास का विग्रह, उसका विस्तृत रूप समास विग्रह कहलाता है। इसकी समास के बारे में अभी गुरु का नाम आता है कि किसने इनके बारे में बताया ज्यादा, है ना, तो कामता प्रसाद, है ना, वैसे नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो परिभाषा दी इन्होंने, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच संबंध बताने वाले जो होते हैं चिन्ह, उन्हें समास कहते हैं, है ना। तो एक इसने दी कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है, इतना भी याद रख लेना। समास के कितने भेद होते हैं? संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं और हिंदी में किसी किसी बुक में 6 लिखे, किसी किसी बुक में 4 लिखे हुए हैं। होते 6 है, लेकिन क्या माना है कि जो देखो अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि, 6 भेद होते हैं, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है उसके अंदर 2 समास माने जाते हैं हिंदी में। कौन कौन से? कर्मधारय द्विगु, ऐसा होता है, तत्पुरुष समास के अंदर ही कर्मधारय समास होता है और द्विगु समास होता है, ये दोनों, इसलिए इसमें दोनों तीनों में द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आ जाता है, पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, संधि में जरूर आता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, है ना, MPSI में 2014 में भी आया था ये, लेकिन समास में अगर आता है तो करना क्या है कि अगर आता है कि समास के कितने भेद होते हैं, पेपर हिंदी का है तो हिंदी में ही पूछता है वो, है ना, तो अगर ऑप्शन में 6 और 4 में से कोई एक ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ऑप्शन में 6 है तो 6, 4 है तो 4, लेकिन अगर दोनों आ जाते हैं तो जो आंसर है वो आपको 6 ही लगाना है, ठीक है, बोला गया है बुकों में ऐसा ही, लेकिन वो भी आंसर क्या मानते हैं, 6 मानते हैं, चाहे वो संस्कृत में पूछे हिंदी में पूछे 6 लगा देना है, ठीक है, अगर दोनों है तो। लेकिन अगर दोनों में से एक है, 6 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अंदर माना जाता है, इसको भी रखना याद, क्योंकि है ना कभी कभी नॉलेज की वजह से पूछ सकते हैं वो, है ना, कि कौन किसका है ना पार्ट माना जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें समास के कितने भेद होते हैं, 6, ठीक है, अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि, ठीक है, इसके बाद जो तत्पुरुष समास होता है उसके स्वयं 6 भेद होते हैं, वो होते हैं कारक पर डिपेंड करते हैं विभक्तियों पर, ठीक है ना, वो कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे जैसे आपने कारक पढ़े होंगे, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, 6 होते हैं, ठीक है ना। जो कर्म तत्पुरुष होता है, कर्ता को छोड़कर कर्म से स्टार्ट करना है हमें, कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है, कर्ण को तृतीय, 2 से स्टार्ट करना है और कर्म से स्टार्ट करना है, कर्ता कारक को छोड़कर, ठीक है, तो इसलिए जो अंतिम होता है वो है ना अधिकरण को सप्तमी तत्पुरुष बोलते हैं, ठीक है, तो ये कर्म से, बस आपको अभी सिर्फ मैंने बताया कि समास के भी 6 भेद होते हैं, ठीक है, और समास के अंदर जो एक पहला पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा, तत्पुरुष समास, उसके भी 6 भेद होते हैं कारक के आधार पर, ठीक है। हमें एक एक करके आपको जो सिंपल है सबसे, जो है ना, अब इसमें आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखो कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सभी समासों में किस कौन सा पद प्रधान होता है, तो जो अव्ययभाव समास होता है पहला, पहले तो क्रम से याद करो, अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पद किस में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु इन तीनों में द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और आ सकता है, ठीक है, कि किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, उसने 4 ऑप्शन दे दिए, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तो किस में, अव्ययभाव समास में, अव्ययभाव समास का प्रथम पद ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो प्रधान पद है ना, तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु इन तीनों में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इसमें यह देखना है कि किस पद जो कौन सा समास किससे मिलकर बनता है, तो जो अव्ययभाव समास है जैसा कि नाम बता रहा है अव्ययभाव, इसमें क्या होता है कि पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद होता है संज्ञा, याद करना आपको, अव्ययभाव समास अव्यय और संज्ञा से मिलकर बनता है। जो तत्पुरुष समास है वो बनता है विशेष विशेषण से, किससे मिलकर बनता है, विशेष विशेषण, और कर्मधारय समास है वो विशेषण विशेष या दोनों विशेषण से मिलकर बनता है ना। देखो इसमें क्या रखना है,
जो कर्मधारय समास है उसमें पहले विशेषण आएगा, या तो विशेषण विशेषण दोनों होंगे, या पहला विशेषण होगा दूसरा विशेष होगा। मैं बताता हूँ विशेष विशेषण होते क्या है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में भी पहला पद विशेषण होगा लेकिन संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैं बोलूं त्रिकोण तो तीन कोणों का समूह है ना, चौराहा चार राहों का समूह, इसमें संख्या जरूर आएगी, तीन चार पांच। मैं बोलूं तिरंगा तो तिरंगा का अगर मैं समास विग्रह करूं तो क्या बोलूंगा, तीन रंगों का समूह है। नवरात्रि नौ रात्रियों का समूह, नौ तीन चार। ऐसे अगर संख्यावाचक विशेषण अगर आता है तो कौन सा होगा, द्विगु समास। इसलिए मैंने लिखा संख्यावाचक विशेषण, पहले संज्ञा या कुछ भी हो सकता है, बस पहले क्या होगा संख्यावाचक विशेषण। तो इन दोनों में पहले विशेषण ही होता है, इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है और इसमें विशेषता बताने वाला विशेषण, और भी तीन होते हैं जो, ठीक है ना, वो सब। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी जिसका नाम आया। जैसे मैं बोलूं माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, है ना, राम लक्ष्मण, किसी के भी दोनों नाम। राम लक्ष्मण में इसका जो समास विग्रह करते हैं तो और या मिलाना पड़ता है। मैंने लिखा है राम लक्ष्मण तो मैं इसका समास विग्रह कैसे करूंगा, राम और लक्ष्मण। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य, है ना, और या आ जाता है द्वंद्व समास में। और बहुव्रीहि समास में मैंने बताया कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो है ना, इनकी आपको ये देखना है कि अव्यय संज्ञा, विशेष विशेषण, विशेषण विशेष या विशेषण विशेषण दोनों हो सकते हैं, और इसके बाद संख्यावाचक विशेषण और संज्ञा। अब देखो मैं एक एक करके आपको सारे, है ना, जो सबसे सिंपल है पहले उसको लेते हैं कि कैसे हमें इसके एग्जाम्पल कोई भी समास। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आता है कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा समास है, ठीक है ना। बस समास का नाम आता है, चार ऑप्शन में समास के नाम दिए होंगे, ठीक है। तो कैसे पहचानना है कि किस में, किस शब्द में कौन सा समास है, इसको देखो। सबसे पहले मैं हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल वाला समास लेते हैं, वो होता है द्विगु समास, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी कोई जिसका विस्तार है, प्रसार करने से हमें संख्यावाचक विशेषण आया, वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बोला त्रिकोण, तो क्या बोलेंगे, तीन कोणों का समूह। त्रिभुज तो तीन भुजाओं का समूह, फिर मैंने तीन संख्या बोली। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, पंचभुज पांच भुजाओं का समूह, चौराहा चार राहों का समूह, तिराहा तीन राहों का समूह, पंचवटी पांच बटों का समूह, पसेरी पांच शेर शेरों का समूह, है ना। इसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था, नवरात्रि नौ रात्रियों का समूह, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, चौराहा तिराहा, है ना, जिसमें क्या संख्या कुछ ना कुछ आएगी, है ना। और अगर मैं बोलूं तो इसमें, हाँ ये भी, त्रिलोक तीन लोकों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह, है ना, चवन्नी चवन्नी चार आनों का समूह, ये सब किसमें आएंगे, तीन चार पांच सात, जिसमें संख्यावाचक विशेषण पहले आता है, जिसका समास विग्रह करने पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आराम से कि इसमें कौन सा समूह समास है, द्विगु समास है, ठीक है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की, ये भी बिल्कुल सिंपल है। द्वंद्व समास में क्या है, देखो यहाँ पे आप इसको और देखो, पहले द्विगु के साथ बहुव्रीहि समास मैं और बता देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें द्विगु समास भी होता है, बहुव्रीहि समास भी होता है, उसका मुझे प्रसार करके देखना पड़ता है कि कौन सा समास होगा। जैसे मैंने आपको बोला दशानन, तो अगर आपने इसका समास विग्रह ऐसे किया कि दस आनन का समूह, आनन माना होता है सिर, दस आनन का समूह ऐसा बोला आपने, तो समूह का मतलब है कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन आपने अगर ऐसा बोला दस है आनन जिसके, तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अगर उसने बोला कि दशानन का समास विग्रह है दस आनन का समूह, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो होगा द्विगु समास। द्विगु समास के अंत में जब हम समास का विग्रह करेंगे तो समूह आएगा, समूह या समाहार, दस आनन का समाहार है ना, तिरंगा तीन रंगों का समूह, समूह या समाहार ऐसा शब्द आएगा। लेकिन जब बहुव्रीहि समास का प्रसार करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो जो या जिसका आता है, जैसे मैंने बोला मुरलीधर, तो मुरली को धारण करता है जो, कोई तीसरा व्यक्ति, इसलिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जो पद उसमें
जिस शब्द में जो पद आ रहे हैं उनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है ना। इसलिए मैंने अगर बोला दशानन, तो दशानन का मतलब कौन है? रावण से संबंधित है। पंचानन है ना, तो पंचानन का शिव से संबंधित है। चतुरानन, चतुरानन चार हैं। आनंद जिसके, ब्रह्मा जी से संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे जो भगवान से रिलेटेड सारे नाम किसमें आते हैं? बहुव्रीहि समास में। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट होता है कि एक समास में किसी का दो समास से मेल कर रहा है, सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या लगाना है? बहुव्रीहि समास माना जाता है। किसी भी बुक में देखना जो होता है, अगर द्विगु समास का बहुव्रीहि समास से है ना मेल कर रहा है, दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेल कर रही हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऐसे कर्मधारय समास में भी होता है बहुव्रीहि समास से, तो हम कौन सा मानते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं, वैसे तो आपको मालूम होगा नॉर्मल जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बोल रहा, कौन सा से हो जाएगा? विषधर, विष को धारण करने वाले, वो विष से हो जाएंगे। तो इस सब के नाम है पांचों। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीतने वाले शिव। मृगेंद, ये भी शिव। विषधर, ये भी शिव। और त्रिलोचन शिव का नाम है। चंद्रमौली है ना, चंद्र है मौली पर, जिसकी मौली मतलब होता है माथा, ऐसे है ना। तो चंद्र है, चंद्रमा है मौली पर जिसकी, वो भी क्या है? शिव। तो ये सब किसमें आएंगी? बहुव्रीहि समास में। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आते। जैसे मैं बोलूँ गजानन, तो आप समझ जाओगे किसे बोला जाता है? गणेश भगवान को। तो गजानन किसमें आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में। चतुरानन, पंचानन, गजानन है ना। पीताम्बर, अगर पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, ऐसा आता है, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुरलीधर, ठीक है, तो मुरली को धारण करता है जो, तो कौन सा हो जाएगा? वो भी बहुव्रीहि में हो जाएगा है ना। और ये कर्मधारय में भी माना जाता है, लेकिन दोनों में से अगर आता है तो हम किस में मानेंगे? बहुव्रीहि में है ना। अब देखो यहाँ पे जिसमें प्रॉब्लम होती है बहुव्रीहि समास में, उनको मैं बताता हूँ अभी। ये पर्यायवाची भी है, तो आपको दो दो फायदे हैं यहाँ पे, कि जलज किसका पर्यायवाची है, जलत किसका पर्यायवाची, यहाँ पे भी हो जाता आते हैं कभी कभी है ना। तो जलज, अगर क्वेश्चन आता है कि जलज, तो जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होता है जो, तो कमल। तो ये कौन सा समास है? जलज बहुव्रीहि समास से। और जलज बोला किसे जाता है? कमल को। दूसरा देखो जलद, इसमें जा है, इसमें दा है, जलद। अगर आपको सही सो नहीं हो रहा होगा, सही दिख नहीं रहा हो, तो मैं वहां जाके उसको जूम करके आपको अंत में दिखा दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, जो नोट करना चाहते हैं तो सही दिख रहा हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा है ना। अगर सही नहीं दिख रहा है तो जलज का मतलब है जल में उत्पन्न होता है जो, कमल है ना। तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। जलद, जल देता है जो, वो भी क्या हो गया? जल देता है जो, तो बादल। जलद बोला जाता है बादल को, और जलज बोला जाता है कमल को। यहाँ पे देखो बज बज्रायुध, बज्रायुध का मतलब होता है, वज्र है आयुध जिसका, आयुध का मतलब होता है हथियार। तो वज्र किसका आयुध है? इंद्र का। तो वज्रायुध किसे बोला जाता है? इंद्र को। किसी तीसरे को बोला जाता है, इसमें आए हुए शब्दों में से किसी को नहीं, किसी तीसरे को बोला जाता है, तो कौन सा हो गया? बहुव्रीहि। अनहोनी, अनहोनी मतलब ना होने वाली घटना, वो कोई विशेष घटना बोली जाती है अनहोनी को। तो ये भी समझ में नहीं आता कि अनहोनी किस प्रकार का समास है, तो ये मैंने वो लिखे हैं जो कम समझ में आते हैं। तो अनहोनी भी क्या है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, नॉर्मल तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन जो कम समझ में आएंगे, जैसे जलज हो गया, जलद हो गया, अनहोनी हो गया, बज्रायुध हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो बीणा पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ है ना, बीणा है हाथों में जिनके। ठीक है, सरस्वती माँ, तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। इसमें निशाचर, निशाचर राक्षसों को बोला जाता है, कि रात्रि में निशा मतलब रात्रि में विचरण करने वाले, अर्थात राक्षस निशाचर कहलाते हैं, तो बहुव्रीहि समास। चौलड़ी, माला को चौलड़ी को बोला जाता है ना, चार है लड़ियां जिसमें, ऐसी माला, तो ये किसका प्रतीक है? माला। तो ये भी किस में हो जाएगा? बहुव्रीहि समास में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे किस में? बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो आपको क्या है? एक बहुव्रीहि समास अभी तो क्लियर हो गया, और एक द्विगु समास। अब यहाँ पे देखो द्वंद्व समास, ये भी बहुत सिंपल है, ये लास्ट के तीनों सिंपल है। याद रखना बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं,
और द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, तो द्वितीय पद दोनों कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। द्वंद्व समास में देखो, द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जो भी लिखा है, जैसे मैंने बोला माता पिता तो माता और पिता, पाप पुन पापर पुन, भाई बहन भाई और बहन, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें क्या है कि इसमें भी इसकी पहचान तो ये है कि बीच में डैश आएगा, पहला तो बीच में क्या आएगा, डैश आता है। जैसे मैंने लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है ज्यादातर जो ऑप्शन में आएंगे, जैसे मैंने लिखा माता पिता, तो माता पिता ये है समस्त पद, लेकिन जब इसका मैं समास विग्रह करूंगा तो क्या लिखूंगा, माता और पिता। मैंने लिखा भाई बहन, डैश लिखूंगा बीच में, फिर लिखूंगा भाई और बहन, या और, इसका समास विग्रह करने में या तो या लगाते हैं या फिर और समास विग्रह करने में, इस डैश को हटाकर बीच, तो डैश लिखे तो 80% कह सकते हैं कि द्वंद्व समास है। अगर नहीं है उसमें तो हमें देखना पड़ता है क्या दो पद है उसमें। जैसे मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे देखो ये, इसमें भी मैं ऐसे एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो कम समझ में आते हैं लोगों को, है ना, कि समझ में नहीं आता है द्वंद्व समास है। जैसे मैं बोलूँ तन मन धन, तन मन और धन, ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। धर्मा धर्म, अब धर्मा धर्म का मतलब है धर्म और अधर्म, ये ऐसा लिखा हुआ है शब्द जिसमें दो शब्द आ रहे हैं। जैसे मैं बोलूं देवासुर, तो देवासुर का मतलब है देव और असुर, देवासुर देव और असुर, है ना, तो और आ गया। धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, ये भी और आ गया इसमें। जैसे मैं बोलूं गौरी शंकर, तो गौरी और शंकर, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें क्या करना है, द्वंद्व समास पता चल जाता है। और कभी कभी इसमें और भी है ना, इतना टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। जैसे कि कभी कभी दो विपरीत विपरीत प्रकृति वाली चीजों को, जैसे मैं बोलूँ चूहा बिल्ली, लेन देन, आगा पीछा, ये भी इसमें ही आते हैं द्वंद्व समास में, है ना। और इसके भी सबके पार्ट होते हैं, जैसे समाहार द्वंद्व भी होता है, लेकिन इतना डीपली पढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ नॉन तेल, है ना, नॉन तेल का मतलब, अगर किसी ने बोला कि घर में नॉन तेल ही नहीं है, तो नॉन तेल का मतलब होता है कि वस्तुओं की बात कर रहा है, तो इसे बोलते हैं समाहार द्वंद। तो कोई बोलता है कि नॉन तेल भी नहीं है घर में, सामान लेके आओ, इसका मतलब ये है कि वो कुछ वस्तुओं की बात कर रहे हैं सामने वाला, है ना, सिर्फ नॉन तेल की बात नहीं कर रहे, तो इसे समाहार द्वंद कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतना डिटेल में नहीं आना है, बस नॉर्मल देखना है कि, है ना, द्वंद समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और या अथवा, है ना, या उसका समास वगैरह करने पर जोड़ दिया जाता है, बीच में हाइपन का साइन आता है जिसे हम डॉट बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास में, ठीक है। इसके बाद देखो ये तीन, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष, फिर कर्णधारय, ठीक है ना। तो अव्ययीभाव समास में आपको ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है ना। इसमें सीधा आपको ये लॉजिक याद रखना है, कैसा, जैसे मैं बोलूं आपसे कि अब अव्यय क्या होते हैं, इसको मैं अगर समझाऊं तो, है ना, उसमें टाइम लगेगा। ऐसे पद कहलाते हैं अव्यय जो किसी वाक्य में लिंग वचन कारक के आने पर उनकी प्रकृति चेंज नहीं होती, उन्हें अव्यय कहा जाता है ना, वो सेम रहते हैं हर जगह, ठीक है ना। तो आपको सीधा मैं बताऊं कि कैसे इसको समझना है, तो देखो यहाँ पे जो अव्ययीभाव समास होते हैं वो तीन तरह से पढ़ना है, तो आपको कैटेगरी टाइप से पढ़ो, जो बुकों में मैंने देखा उसमें डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया एग्जाम्पल, तो समझ में नहीं आते, तो आपको तीन टाइप पढ़ना है इसके, तीन तरह से आते हैं। एक तो उपसर्गों से बनते हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं वो लिखे हुए हैं सामने, देखो यहाँ पे आ नी, है ना, आ नी खुश भर ला यथा बे, ये उपसर्ग ऐसे हैं, इनसे मिलकर ये बनता है, ठीक है। 3 2 5 2 7, सात उपसर्ग हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के पहले आते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जब किसी शब्द को दोहरा जाए, एक शब्द को दो बार बोला जाए, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला जाता है, द्वंद्व समास में और अव्ययीभाव समास में ये अंतर देखना। अगर मैंने बोला माता पिता और बीच में लगा दी डैश, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेम शब्द को दोहराया, सेम शब्द को दोहराया, मैंने बोला घर घर, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास, घर घर नगर नगर गांव गांव, किसी भी एक पद को दोहराया जाता है बीच में डैश लग जाती है, तो अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार
अगर दो अलग अलग पदों को लिखा जाता है बीच में डैश लगा के, तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो डैश लगे देख के आपको ये भी देखना है कि पद अलग अलग है कि नहीं, है ना, और उसके प्रसार में और या अथवा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसका विस्तार करने पर, इसका समास विग्रह करने पर और नहीं आता है। घर का मतलब है घर के बाद घर, इसका समास विग्रह ऐसे किया जाता है। नगर नगर मतलब नगर के बाद नगर, इस प्रकार, है ना। और यहाँ पे जो कर्मधारय समास है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा था दो तरह से बनता है, या तो दोनों विशेषण हो या फिर दोनों विशेष हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ से लिखूं नीली पीली काली हरी, ठीक है ना, या काली काली, कहने का मतलब अगर मैंने दोनों विशेषण यहाँ पे लिख दिए, है ना, दोनों विशेषण लिख दिए यहाँ पे, तो कैसा हो जाता है? तो कर्मधारय समास होता है। तो अगर मैंने दोनों विशेषण लिखे, एक कलर के नाम विशेषण होते हैं, वो विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है। मालूम होगा आपको, जैसे मैं बोलूँ नीला पेन, तो पेन की विशेषता क्या है? नीला है, तो नीला विशेषण हो गया और पेन है विशेष, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ ठीक है मोटा लड़का, तो मोटा क्या है? मोटा विशेषण है, लड़का विशेष है, ठीक है। इस प्रकार जो पद उसकी विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना, जब किसी विशेषण की विशेषण को दोहराया जाए तो कौन सा हो जाएगा? डैश लगा के कर्मधारय समास। जब दो अलग अलग शब्दों को दोहराया जाए, लिखा जाए, मतलब डैश लगा के, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें जब किसी सेम शब्दों को दोहराया जाए तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। इसके बाद देखो यहाँ पे सेम शब्दों को दोहराने के साथ साथ यहाँ पे हाथों हाथ बारंबार रातों रात, मतलब देखो हाथ यहाँ पे भी है, हाथ यहाँ पे भी, इन पे इसमें भी दोनों शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन बीच में क्या है, बस वो लिख दिया। तो अगर ऐसे शब्द भी हैं हाथों हाथ, तो हाथ हाथ दोनों जगह आ रहा है, बीच में बस ओ की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे भी अव्ययीभाव समास में दो पदों को दोहराया जा रहा है, बस मात्राओं के साथ आ रहा है, इतना है। बारम्बार रातों रात, है ना, तो सेम शब्द दो शब्दों को दोहराया जाएगा, बीच में कुछ मात्राएं की मेल से उनको मिला दिया जाएगा, उसमें भी क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो कैसे? घर घर, नगर नगर, द्वार द्वार, गांव गांव, इस प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, सेम शब्द दो बार, अव्ययीभाव समास, ठीक है। बारंबार रातों रात, बागों बाग, हाथों हाथ, इस प्रकार के शब्द लिखे हैं, इसमें मात्राएं कुछ लिखी हैं लेकिन सेम शब्द है ना उसमें भी है, तो भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास। तीसरा होता है, कुछ मैंने बोले उपसर्ग भी होते हैं तो उनसे भी अव्ययीभाव समास बनता है, जैसे कि यहाँ बताया मैंने आपको, देखो नी, नी से क्या बनेगा? नी से शब्द बनेंगे, अगर निर्दोष आ गया, निर्दोष, निर्जन, ये सब क्या हो जाएंगे? अव्ययीभाव समास में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो खुश है ना, भर, यहाँ पे भर लिखा हुआ है, ठीक है, तो भर से क्या बनेंगे? जैसे मैं खुश से बोलूँ तो खुश से बनेंगे खुश मिजाज, खुश नसीब, एक किससे बन जाएगी? खुश से, है ना, खुश मिजाज, खुश नसीब। और उसी प्रकार अगर मैं खुश के भर से बोलूँ तो भर से कौन कौन से बनेंगे? भर पेट, भरसक, ठीक है, ये भर से बन जाएंगे। ला से क्या क्या बनेंगे? ला से अव्ययीभाव समास कौन कौन से बनेंगे? लावारिस, लाजवाब, है ना, इससे जिसके पहले उपसर्ग ला जुड़ा हो, नी जुड़ा हो, खुश जुड़ा हो, भर जुड़ा हो, या फिर यथा जुड़ा हो या बे जुड़ा हो, ये आपने याद कर ली तो कभी गलत नहीं होगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। यथा से यथासंभव, यथासाध, और बे से बेवजह, ठीक है, बे से बेवजह, इस प्रकार के अगर जो शब्द बनते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? इसमें अव्ययीभाव समास में आ जाएगी। जैसे मैं बोल सकता हूँ बेघर, बिना घर का, बेवजह है ना, तो इससे बेवाले बन जाएंगे, ऐसा संभव, इस टाइप से। तो आपको तीन कंडीशन याद रखनी है, इन उपसर्गों को लिखना है कि इन ये उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आते हैं तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, या किसी एक पद को दोहराया जाता है बार बार, घर घर, नगर नगर, गाँव गाँव, तब भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तीसरा है, ठीक है ना, हाथों हाथ, रातों रात, ठीक है, बारंबार, इस प्रकार के अगर शब्द लिखे हैं उसमें कुछ मात्राएं बीच में आ गई, तब भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास, ठीक है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? इसमें पहला पद प्रधान होता है। पद कौन सा होता है? पहला, पहला पद अव्यय होता है, देखो इसमें लिखा है पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद होता है संज्ञा, और पहला पद ही प्रधान होता है, मतलब क्या प्रधान होता है इसमें? अव्यय प्रधान होता है, ठीक है। बस इसके दो एग्जाम्पल याद करना है जो थोड़े समझ में नहीं आते, एक है अनुकूल, एक अनुरूप, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें आ भी, हाँ ये लिखा भी है मैंने, इसमें क्या आता है
आ छोटा है बड़ा दोनों उपसर्ग के रूप में अगर आए तब भी आ जाता है वो। तो आपको याद करना है कि अनुकूल और अनुरूप अव्ययीभाव समास में आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके हो गए कर्मधारय समास। मैंने बता दिया कि दोनों अगर विशेषण है तब भी क्या होगा, कर्मधारय समास। लेकिन पहला विशेषण है, दूसरा विशेष है, तब भी क्या होगा, कर्मधारय समास। जैसे मैं लिखूं नीला पेन, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा देखो पीताम्बर, पीताम्बर, तो अगर पीताम्बर में अगर मैं इसका समास वगैरह करूं, पीला है अंबर जिसका, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, श्री कृष्ण की, तो क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास में पहुंच जाएगा ये पीताम्बर। लेकिन मैंने लिखा पीताम्बर, पीला है अंबर जो, मैं इस अंबर की बात कर रहा हूं, उस है ना, अंबर मतलब आकाश की, पीला है अंबर जो, अगर अंबर की बात कर रहा हूं मैं, इसी की बात कर रहा हूं, तो मतलब मैंने किसकी बात की, अंबर की। अंबर कौन सा है, दूसरा पद, तो मैंने द्वितीय पद को प्रधान बना दिया, तो कैसा है, कर्मधारय समास। क्योंकि पीला उसकी विशेषता बता रहा है अंबर की, तो विशेषण पहले है जो विशेषता बताता है, विशेष बाद में है, विशेषण पहले है विशेष बाद में, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। और मैं बोलूं पीला है अंबर जिसका, तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, हो सकता है दोनों पद विशेषण हो सकता है पहला विशेषण हो दूसरा विशेष हो। अगर लिख दिया मैंने, है ना, नीला पीला, तो ये दोनों विशेषण आ गए, मतलब कौन सा है, कर्मधारय समास। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि पहला विशेषण नीला पेन नीली गाय, है ना, इस प्रकार का मैंने लिखा नीला पेन नीली गाय, तो नीला पेन नीली गाय, गाय की विशेषता क्या है, नीली, इस प्रकार कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास में आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, द्विगु समास बता दिया, द्वंद्व हो गया, बहुव्रीहि, ठीक है। अब बस जाए बस तत्पुरुष समास लास्ट, ठीक है। ये थोड़ा है तो सिंपल, बस इसमें क्या है कि इसके पार्ट बहुत सारे हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना कि तत्पुरुष समास के स्वयं में कितने विध होते हैं, 6 विध होते हैं, कौन कौन से, है ना, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष को बोला जाता है द्वितीय, द्वितीय से स्टार्ट होता है और सप्तमी तक जाता है, है ना, क्योंकि होते 6 हैं लेकिन दूसरे स्टार्ट करेंगे तो 7 तक जाएगा वो, है ना। तो कर्ता को छोड़कर कारक पर विभक्तियों पर आधारित होते हैं ये, ठीक है। तो बस आपको इतना देखना है, बस अगर मुझे देखना है कौन सा कर्म तत्पुरुष है, तो उसका विस्तार दो, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष में क्या, को, जिसका हमने विग्रह किया उसमें को आ गया, तो हम क्या समझ जाएंगे, कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, बस यहां पर से जो है वो अलग होने के अर्थ में है, संबंध काकी के अधिकरण में पर, ठीक है, ये याद रखना, ये तो वैसे भी याद होंगे आपको, है ना, कारक। तो बस हमें याद करना कि को के लिए से ऐसे अलग होने के अर्थ में, या है ना, संबंध काकी के और अधिकरण में पर, इनमें से कुछ भी अगर मैंने उसका समास का समास विग्रह किया और किसी भी इनमें से किसी भी विभक्ति अगर आ जाती है उसमें, कारक चिन्ह आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा है ना, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा है, अगर को आता है तो मैं बोलूंगा कर्ण तत्पुरुष है, से आ गया तो मैं बोलूंगा कर्ण तत्पुरुष है। कैसे पहचानना है, उसमें देखो कौन सा पद प्रधान होता है इसका, इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है, पहला पद विशेष होता है, दूसरा पद विशेषण होता है, ठीक है। अब देखो मैं अगर बोलता हूं उसमें, आपको बस विभक्ति में याद रखना है, ठीक है ना, विभक्ति इंपोर्टेंट है। अगर मैंने बोला आपसे मुरलीधर, तो आप क्या बोलोगे, मुरली को धारण करने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त लिखते जाना है, मुरलीधर स्वर्ग प्राप्त, पतित पावन, पतित को, पतितों को पावन करने वाला, है ना, या ठीक है। तो मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला को आ गया, है ना, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। वैसे मुरलीधर कौन सा है, बहुव्रीहि समास है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुरलीधर ने पूछा मुरलीधर में कौन सा समास है, और आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया ही नहीं, तो क्या करना है फिर, उस समय पे हमें क्या लगाना है, तत्पुरुष समास। तो को किस में आया, मुरलीधर, पतित पावन, स्वर्ग प्राप्त, तीनों में क्या है को, तो कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं से, अगर मैंने बोला जन्मजात, तो जन्म से उत्पन्न हुआ, जन्मजात बीमारी है, तो जन्म से उत्पन्न हुई, ठीक है। अकाल पीड़ित, ठीक है, अकाल पीड़ित का मतलब अकाल से पीड़ित,
है ना, तो जहां से हो, तो देखो से दो जगह है यहाँ पे, एक बार समझना। यहाँ पे से है अपादान और करण, ठीक है ना। करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी बोलते हैं और अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो अपादान में भी से आता है और करण में भी से आता है। तो अंदर क्या है, अगर मैंने बोला अकाल पीड़ित तो क्या बोलेंगे, अकाल से पीड़ित, मतलब अकाल पड़ा हुआ है, अकाल पास में है उनके, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला मैंने बोला कि कैसे बोल सकते हैं, धनहीन भाग्यहीन, जैसे मैंने बोला धनहीन तो क्या बोलेंगे, धन से हीन, मतलब धन उससे दूर है। तो जब से वो किसी चीज को अलग करने के अर्थ में आता है तो वहां पे क्या होता है ना, जब से का प्रयोग अपादान तत्पुरुष कब होगा, जब से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हो। जैसे मैंने बोला धनहीन भाग्यहीन, तो भाग्यहीन किसे बोलते हैं, भाग जिससे दूर हो, भाग अच्छा ना हो जिसका, तो क्या बोलेंगे भाग्यहीन। तो यहाँ पे भाग्य से हीन, धनहीन धन से हीन, है ना। तो हीन नॉर्मली जो आते हैं जब शब्द, तो कौन सा होता है, वहां पे होता है अपादान तत्पुरुष, ठीक है। और कारण तत्पुरुष बता दिया मैंने कौन सा होता है, जहाँ से, ठीक है। जैसे अकाल पीड़ित जन्मजात मोह मांगा, मोह से मांगा, तो नॉर्मल से आता है वो कौन सा हो जाएगा, कर्ण से, ठीक है, कर्ण वाला तत्पुरुष। इसके बाद संप्रदान में क्या होता है, के लिए क्या होता है। अब देखो संप्रदान तत्पुरुष, देखो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे देशभक्ति, जैसे मैंने क्या बोला देशभक्ति, तो इसका मतलब क्या है, देश के लिए भक्ति, ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च, है ना। तो हथकड़ी के लिए आ गया, हाथ के लिए कड़ी, राह खर्च, राह के लिए खर्च, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा। एक आता है विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, है ना, नॉर्मल है के लिए आया, तो कौन सा होता है, ये विद्या के लिए आलय। तो पहले तो यह समझ में होना चाहिए आपको कि कौन सा समास होता है, सारे तत्पुरुष समास होते हैं। तो पहले सिर्फ इतना समझो कि कुछ भी विभक्ति आए, को से, के लिए से, काकी के, में, पर, सबसे ज्यादा जो समास बनते हैं वो तत्पुरुष समास के होते हैं, है ना। कोई भी, तो कोई भी विभक्ति आए कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में तत्पुरुष समास के पार्ट दे देता है तो आपको फिर समझना है कि किस विभक्ति से कौन सा पार्ट बनता है, ठीक है ना। तो के लिए कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। अब बचा है संबंध और अधिकरण, ठीक है। अब संबंध में क्या क्या आएगा, देखो मैंने लिखा है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, ठीक है। राजमहल, राजा का महल, ठीक। इसमें जो संबंध बताने के लिए यूज होते हैं का, की, के, अगर इन ये आ रहा है तो समास का वगैरह करने पर, तो कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, पहले तो अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अधिकरण तत्पुरुष में किसका, जब हम उस समास का विग्रह करेंगे तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या आएगा, मैं या पर। जैसे मैं बोलूं स्नेह मग्न, तो क्या बोलेंगे, स्नेह मैं मग्न, है ना। इस प्रकार मैं आ जाता है, वो तो आप जब उसका प्रसार करोगे तो जिस विभक्ति को, जो भी विभक्ति आ रही है ना, उस आधार पर हम बता देंगे कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है। तो ये है बस समास का ओवरव्यू। इससे आप अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। समाज वैसे भी सिंपल है, नॉर्मल, बस कुछ एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं जो कम समझ में आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हुआ अनुकूल, अनुरूप, है ना, चंद्रमौली, ये तो समझ में आ जाते हैं। लेकिन निशाचर, चौलड़ी, अनहोनी, तो इनको आपको बुक से एक बार जरूर देखना है कि कुछ जरूर ऐसे रहेंगे एग्जाम्पल जो कम समझ में आएंगे, है ना। तो उनको एक बार देख लेना है ना, और बाकी के सब कुछ बन जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप इसको है ना नोट करना हो, नोट कर लीजिए। बस याद रखना, इसी क्रम में याद रखना, अव्ययीभाव तत्पुरुष क्रमधारय है, द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि, है ना। पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव का, फिर दूसरा 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 तीन के होते हैं, तत्पुरुष क्रमधारय है द्विगु, द्वंद्व के दोनों होते हैं, बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना। अव्ययीभाव समास अव्यय और संज्ञा के मेल से बनता है, तत्पुरुष विशेष विशेषण से, कर्मधारय विशेषण विशेष, द्विगु, है ना, द्विगु में क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो हो है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।